दोस्तों आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मंजूश्री। कहते हैं अगर जन्नत कहीं हमारी जमीन पर है तो वो है हमारी जमीन कश्मीर। आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो उसी जमीन से आए हुए हैं, प्रोफेसर सैफुद्दीन सऊद साहब से। चलिए उनसे बातें करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर सैफुद्दीन साहब। प्रोफेसर साहब, ईटीवी उर्दू के इस प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सियासत और एक प्रोफेसर में दोनों की जिंदगी में फर्क क्या होता है? नहीं, मतलब ये तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये एक सियासत एक बड़ा वसी दायरा है, उसमें प्रोफेसर का मतलब ये है कि अगर पढ़ा हुआ है तो सियासत में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं मिला, लेकिन प्रोफेसरशिप यही है, लिखना पढ़ना चाहिए आदमी को, और मेरा लिखना पढ़ना बहुत छूट गया है क्योंकि सियासत में काफ़ी टाइम देना पड़ता है। लेकिन किताब से, किताब क्या है, वो तो समाज का अक्स है, उसमें किताब में समाज की बातें हैं किताब में, तो वो मेरा सफ़र किताब के साथ भी जारी है। और समाज की समस्याओं को समझने की जो बातें हैं वो भी साथ साथ चलती हैं, और मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं लगा। आप अपने माजी के बारे में बताइए हमें। मेरा बचपन, उस वक़्त फूलों की सेज तो नहीं होती थी, आज हमारे बच्चों को और मिडिल क्लास भारत में काफ़ी फैला और बड़ा, तो हमारा तो था जो उसमें गरीबी बहुत थी और स्ट्रगल बहुत था। तो मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा, टेंथ में मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज हाई स्कूल में बारामूना में पढ़ा, तो बाद में कॉलेज आ गए तो गवर्नमेंट स्कूल आजकल के ज़माने में बिल्कुल खस्ता हाल है। हमारे ज़माने में बड़े पब्लिक स्कूल में ज़्यादा नहीं थे, तो लेकिन अच्छा माहौल था। आज किसी आदमी के साथ मैं बात कर सकता हूँ, वो डून स्कूल से पढ़ के आए हैं, दूसरे कैम्ब्रिज से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई दिलचस्प वाक़या कॉलेज के दिनों का आपको याद है? हाँ, मैं कर एक वाक़या याद आ गया अभी आपके पूछने से, कि बीएड जो होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद मैं श्रीनगर के टीचर्स कॉलेज में पहुँच गया, तो वहाँ दो तीन महीने के बाद एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया विद इन द कश्मीरी पंडित फैमिली में भी जात पात इतना था कि लड़की को ख्वाहिश थी कश्मीरी पंडित लड़के से शादी करने का, मगर वो पुरोहित खानदान का था, दोनों कश्मीरी पंडित, मगर इतना अंतर था उस ज़माने में, तो कास्ट दूसरे कास्ट में मैरिज करने का तो बड़ा ही मुश्किल था। तो वो लड़की एक दिन आ गई तो उसको घर में मारपीट हो गई थी। तो हमारे प्रिंसिपल होते थे, वो अब भी हैं मेरे उस्ताद डॉक्टर अशरफ अली, उसने क्लास में एक सनसनी फैला दी, उसने कहा देखो ये कश्मीर कितना जाहिल है। इन्होंने ऐसा कहा कि उस क्लास में जो पंडित भी थे सबको जोश आ गया और एक बड़ी लड़ाई, सोशल लड़ाई हो गई और अखबार में छपा। तो प्रिंसिपल अशरफ ने डिक्लेयर किया कि इस लड़की की शादी इसी लड़की के साथ होगी और हम शादी करेंगे, और हुआ भी वही, झगड़ा हो गया, अखबारों में निकला। फिर जब हमारा सेशन ख़त्म होने को आया अक्टूबर में, उस ज़माने में उनकी शादी हो गई, उसमें शादी में दोनों समुदाय के लोग आए, उनके घर वाले नहीं आए, लेकिन कश्मीरी पंडित और मुसलमान दोनों आ गए,
और वो एक सोशल किस्म की मैरिज हो गई और तो उनके प्यार ने फतह पाई उस वक्त। तो ये बड़ा वाका हो गया था हमारी ज़िंदगी का। आपके ज़माने में फुटबॉल और हॉकी ऐसे दो खेल थे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन आपने हिंदुस्तानी खेल ज़्यादा पसंद किया, स्विमिंग, गुल्ली डंडा और कबड्डी। ओह मैं बड़ा अच्छा स्विमर था। मेरी माँ दरिया के किनारे पर और मैं छोटा बच्चा उछल रहा हूँ दरिया में, और जब तक वो रो रही हैं किनारे पर मैं पार जहलम को क्रॉस कर गया, और बाद में वो मुझे हाथ जोड़ती रही कि अब मत आओ तैर कर, तो नाव आ गई, किश्ती आ गई, तो मैं वो आ गया। और उस ज़माने में स्लीपर होते थे दरिया में और चढ़ बैठे उठ गया। नेचुरल मतलब सवाल है, अब स्विमिंग पूल है लेकिन वो खुदा के दिए हुए वो दरिया में कूदना क्या मज़ा है, कुछ डूब भी जाते थे। मगर एक बात है, मुझे बड़ी खुशी है, स्विमिंग बहुत अच्छी चीज़ है, और गुल्ली डंडा और कबड्डी गरीबों के खेल, उस ज़माने में क्रिकेट नहीं था। कहते हैं उस्ताद का जो दर्जा होता है वो माँ बाप के बराबर होता है या तो ज़्यादा होता है, आप क्या मानते हैं? वो है, आज तो टकसाली ज़िंदगी है, मैकेनिकल एज है, आज प्रोफेसर अपना लेक्चर करके चला जाता है, वो इंडिविजुअल टच नहीं है जो उस्ताद को शागिर्द से करीब लाए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा गुरु है तो सारी उम्र याद रहता है और ज़िंदगी बनती है अच्छे लोगों से, तो ये है, और बहुत आदर करते हैं। आप हमें ये बताइए कि आज का जो तालीमी माहौल है और उस वक्त का जो माहौल था, उस दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क। सो आज तो मॉडर्नाइज हो गया, और आज जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है। मैट्रिक में जो हम पढ़ते थे मैट्रिकुलेशन में, वो छठी जमात में आजकल पढ़ाया जाता है, बल्कि पाँचवीं में। मुझको छोटे बच्चों पर तरस आता है, ये कितना एक्सप्लोजन है नॉलेज। लेकिन कई मामलों में आज की शिक्षा जो है सुपरफिशियल है, तब बहुत गहराई से पढ़ा जाता था, लिखने वाले ठीक लिखते थे, बोलने वाले ठीक बोलते थे, अंग्रेजी ग्रामर ठीक पढ़ते थे। आज लिखना नहीं आता है लोगों को, और ये ख़त्म हो जाएगा लिखने का सिलसिला, लोग जाएंगे कंप्यूटर के पास, अब लिखना क्या है। किस पॉलिटिशियन ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है? आइडियल जब मैं जो अब सियासत में हूँ, मुझको ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुतासर किया है जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने, दोनों ने मिल के। नेहरू बहुत विजनरी थे, बहुत बड़े आदमी थे, अगर वो 10 बरस और ज़िंदा रहते दुनिया की हिंदुस्तान की ज़िंदगी की काया पलट जाती। अब नेहरू दूसरा नहीं होगा, बहुत सारे सियासतदान आ गए, मौलाना आज़ाद भी बहुत बड़े, इसीलिए मौलाना आज़ाद मेरे कमरे में है। और इसमें फजूल तस्वीर कोई नहीं देखेंगे आप, जिनके साथ मेरा ताल्लुक रहा है, नेहरू है। और इब्राहिम लंकन ने मुझे सख्त असर किया है, ही वॉज मैन ऑफ द मैसेस एंड इनसाइड हिज हार्ट एंड माइंड ही वॉज वेरी ब्रेव, इब्राहिम लंकन। आपको किसी ने कहा था कि आप प्रोफेसर तो हैं लेकिन डेफिनेटली आपके कदम जो हैं वो सियासत के तरफ बढ़ेंगे, तो उस वक्त आपने सोचा था ऐसा होगा क्या? उस वक्त ये मैं सियासत में नहीं था जी, थोड़ा शौक तो होता ही है लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन किसी और मकसद से मैं एक नजूमी के पास गया, आचार्य कुसुम नाम था उनका, चंडीगढ़ से थे, उनका बाद में इंतकाल हो गया, दोस्त बन गए थे, तो उन्होंने लिख के दे दिया मेरे पास है, उन्होंने कहा आप सियासत में आएंगे और इलेक्शन जीतते रहेंगे और सियासत में आपका बड़ा भविष्य है, आप क्या कर रहे हैं, ये नौकरी क्या कर रहे हैं, ये आपकी मंजिल नहीं है, तो उनका सही साबित हो गया और मैं वाकई आ गया। 83 अप्रैल में मैंने जॉब छोड़ दिया और सियासत में आ गया। तो और हैरान हूँ मैं कि उनकी जो पेशन गोई थी उस चीज़ की। आप हमें ये बताइए कि किताब और सियासत के अलावा आपके क्या शौक हैं? और देखिए मेरे शौक जो हैं समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस के लिए, मानव अधिकार जो हैं उसमें मैं कुछ करता रहता हूँ, और जो एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं उसमें मेरी, मैं मिनिस्टर जब था
फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट था, मुझे काफ़ी दिलचस्पी हो गई। और मैं साइंस कॉलेज में नहीं पढ़ा था, लेकिन साइंस में मुझे सख्त दिलचस्पी हो गई, और साइंस जुड़ा हुआ है एनवायरनमेंट के साथ, तो काफ़ी मैंने सोचा। और अब एनवायरनमेंट में 10 चीज़ें हैं, बर्ड का प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है, दरख्त होने चाहिए, सब्ज़ा होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो क्लाइमेट चेंज पर मैं ज़रा सा एक्सपर्ट हो गया, तो काफ़ी है। मानव अधिकार की चीज़ों पर मैं लपकता हूँ, वीमेन्स राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, तो मेरा जो है तरीका ये, इसके डायमेंशन मुख्तलिफ हैं। आई डोंट गेट स्टक, जब मैं कहता हूँ सियासत में स्टक नहीं करता हूँ, उसमें ये है, सियासत में क्या चीज़ है, सियासत में आपको लोगों के मसाइल उबारने होते हैं, तो जब आप इस रोमांस में आते हैं कि लोगों से बात करते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेते हैं, तो आपको खुद रास्ता मिलता है। तो कुछ चीज़ें मानवाधिकार की हैं, कुछ चीज़ें सोशल जस्टिस की हैं, कुछ चीज़ें सियासत की, खरी सियासत की हैं, लोगों के जो भावनाएँ हैं उनकी हैं, लोगों के जो राइट्स हैं ट्रैम्पल होते हैं उनकी है। ये बड़ा फील्ड है। कौन सी किताब लिख रहे हैं फिलहाल आजकल आप? मैं इस वक्त कश्मीरियत पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि कश्मीरियत को थोड़ा सा धक्का लगा है, इसको मैं जिंदा करना चाहता हूँ। आप शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, तो आपके शॉर्ट स्टोरीज के सब्जेक्ट क्या हैं? काफ़ी समाज, समाज की ऊंच नीच और गुर्बत का जो कारण है उसके साथ, गरीबी के साथ जो मजाक होता है वो, तो ज़्यादा सोशल जस्टिस और जो मानव अधिकार हैं उनका जब उल्लंघन होता है तो इस पर मुझे असर रहता है। मैंने एसेज भी लिखे हैं, तो लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ छापना चाहिए। अभी मेरे दिमाग में कई किताबें हैं, टाइम मिलना चाहिए तो मैं, और मेरा इंटरेस्ट बड़ा डाइवर्स है। मैं पार्लियामेंट में हूँ, मुझे लगता है पार्लियामेंट डिक्लाइन में है, यानी पहले अच्छा था अब ख़राब है, वो भी मैं लिखना चाहता हूँ। मुझे ये भी कहना है, अब यादों की सौगात देखना चाहता हूँ, कितने लोगों से मिला, कैसे मिला, उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या समझा, तो और कश्मीर पर मैं लिखना चाहता हूँ, जो कश्मीरियत है, जो सियासत से बुलंद चीज़ है, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख सदियों से एक रहते आए हैं, वो विचार उनको ठोकर मिली है, उनको फिर से उजागर करना है। सोसाद, आपकी ये जो किताब है कश्मीर प्रॉब्लम पॉसिबल सॉल्यूशंस, इस किताब को आपने कब लिखा? ये जब मैं आपके लाइब्रेरी में देख रही थी, ये किताब मुझे मिली, इस किताब को लिखने के पीछे व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? इसको ये दीजिए, वो मैं बताऊंगा आपको। ये जो ऊपर है कश्मीर क्राइसिस, वो ये है कि जब आप कहते हैं कि सियासत और प्रोफेसरशिप इनका बाहमी रिश्ता है ना, मसलन कश्मीर को हमने जलता हुआ देखा अभी 91 में, ये अक्सर साहब होते थे पेन अक्सर, उनकी सदारत में यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बड़ा सेमिनार हुआ जी, बहुत बड़े लोग आ गए थे, तो कश्मीर क्राइसिस पर हमने पूरा दिन लगाया, बाद में ये प्रोसीडिंग्स शाया कर दी। एक और सेमिनार था जिसमें अभी वी एम तरकुंडे का इंतकाल हो गया, बहुत बड़े जूरिस्ट, बहुत बड़े लॉयर, अभी चंद दिन हुए वो इंतकाल करे। इस किताब में उन्होंने एक हमारी संस्था है तो उसी में वो आ गए थे, तो उन्होंने कहा था पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है इस पर, समस्या का, तो ये चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ सियासत की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं ले, जहाँ तक लिखने पढ़ने का शौक है, तो जब मैं पर्यावरण का मिनिस्टर बन गया तो मैंने काफ़ी दिलचस्पी ले ली, और ज़्यादा देर मैं नहीं था मिनिस्टर, 13-14 महीने, मगर एक बात है कि मैं कई चीज़ों में उलझ गया, कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट होना चाहिए, पोल्यूशन दिल्ली का और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का ख़त्म होना चाहिए, दिल्ली के लिए मैंने एक्शन प्लान बनाया था, अब भी वही डिस्कस हो रहा है। इन 4-5 बरस में मुझे कहना चाहिए कि पर्यावरण का ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, बहरहाल। और उसमें जी क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट एंड अवेयरनेस, जो चेंज होती है
क्लाइमेट की अब बहुत डेंजरस है, आपके गर्मी के दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपके सर्दी के दिन कम होते जा रहे हैं, ज़मीन तपती जा रही है। इस पर मैंने काफ़ी गौर किया और एक बहुत ही बड़ा सेमिनार यूनेस्को ने कराया, वो मैंने कश्मीर में कराया, क्लाइमेट चेंज इसका क्या इम्पैक्ट है ज़िंदगी पर। तो साइंस की चीज़, पर्यावरण की चीज़, सोशल जस्टिस की चीज़, मानव अधिकारों के जो मसले जो है, कश्मीर क्राइसिस या कश्मीरियत क्या चीज़ है, ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और मैं तकरीबन इन सारी चीज़ों में देखना चाहता हूँ। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, अगर आपके पास वक्त हो तो किस जगह आप जाना पसंद करेंगे? मैंने ऑस्ट्रेलिया के बगैर हर मुल्क को देखा है, बड़े मुल्क को, और कश्मीर से ज़्यादा कोई खूबसूरत जगह, हालांकि यूरोप इतना सब्ज़ा है, मतलब यूरोप मैंने मेरा दिल मोह लिया है, जर्मनी ने, इटली हो, ब्रिटेन हो, उनका ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, मगर कश्मीर में जो कुदरत ने दिया है वो किसी, हमने ख़राब कर दिया है, सड़क पर हम गोबर रखते, लेकिन अमेरिकन एक ने मुझे पूछा था कश्मीर की क्या चीज़ खूबसूरत है, मैंने चश्मा शाही बताया, मुग़ल बागात बताया, उसने कहा नहीं, सबसे खूबसूरत यह है कि जब सूरज की किरणें शाम को नथार के सफ़ेदे के दरख्तों से आती हैं और आप गुलमर्ग जा रहे हैं अपनी मोटर में या तांगे पर सवार हैं, वो जो किरणें क्रॉस करती हैं इसमें नथार के जाती हैं सफ़ेद दो तरफ सफ़ेदों के दरख्तों के दरमियान, और शाम का जो है ढलती हुई जो है धूप है और सूरज ग्रूब होने का है, ऐसा नज़ारा वर्ल्ड में नहीं है, और मैंने एक दफ़ा आजमाया ये। अगर फिर दोस्त बर्रुए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है वो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। ये फारसी ईरान का एक शायर था उर्फी, उसने ये लिखा था, कश्मीर तो अब भी जन्नत है, बहुत जन्नत है, मगर यह है कि हमको कश्मीर को बनाना चाहिए, ऐसा खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती कहीं। अभी किसी मौके पर मैंने कहा था कि फिर नज़र वो सब्ज़ा फिर आना चाहिए, फिर नज़र आएगी कब बेदाग सब्ज़े की बहार, फिर नज़र आएगी कब बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के दब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। आपको सबसे अच्छी फिल्म जो हमारी बॉलीवुड में बनी है कौन सी लगी? बचपन में मैंने जो फिल्म देखे हैं उनमें से कुछ मेरे काफ़ी असर डाला, मसलन दो बीघा ज़मीन मैंने देखा, मदर इंडिया देखी, तो अच्छा रोटी कपड़ा और मकान देखा, काफ़ी इसका असर पड़ा। फिल्म देखना चाहिए, मैंने टाइटैनिक देखी और अभी जो आया शाहरुख खान किसमें था वो हो कि न हो, कल हो कि न हो, तो वो तो कुछ कपल्स हैं, कुछ मेरे प्यार करने वाले हैं, वो मुझे कभी गिरफ्तार करके ले जाते हैं, चलो आपको फिल्म दिखाएंगे। कहते हैं ना कोई गाना इंसान की ज़िंदगी में हमेशा रह जाता है और उसको इन्फ्लुएंस भी करता है, कोई ऐसा गाना आपकी ज़िंदगी में? सुरैया के गाने जो हैं आफ्टर हर डेथ आई रियलाइज हाउ ग्रेट शी वॉज, उसने प्ले बैक सिंगिंग नहीं किसी के लिए नहीं की है, शी सैंग ओनली फॉर ओन, और उसका दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इतनी काट है उसमें मैं क्या बता सकता, इट इज़ ग्रेट शी नेवर सैंग फॉर एनीबडी। किस तरह का खाना पसंद करते हैं आप? मुझे टाइम नहीं होता है कि इसमें क्या है, लेकिन महसूस करता हूँ अगर नमक ज़्यादा वो तो है, मगर मैं हर मुल्क में एडजस्ट होता हूँ। अभी मैं पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का लीडर था, कोजुमल एक बहुत अच्छा जजीरा है मैक्सिको में, मैक्सिको से भी दो मतलब समझ लो दो ढाई दिन, पहले पेरिस जाओ, फिर पेरिस से मैक्सिको जाओ, फिर तीसरे जहाज़ में कोजुमल एक छोटा सा आइलैंड है बहुत गजब का, आई लाइक मैक्सिकन फूड, और जब तक मैं चार दिन था सिर्फ मैक्सिकन खाया, तो वो कहते हैं ना कि जीना खाने के लिए नहीं चाहिए, खाना जीने के लिए चाहिए, उतना खाओ जो जियो, सिर्फ जियो कि खाना खाएंगे मज़ेदार वो गलत बात है। आपकी ज़िंदगी की फिलॉसफी यानी तर्ज क्या है? हाँ तर्ज ज़िंदगी क्या है, देखो एक बात है, मुझे साधारण ज़िंदगी पसंद है, लेकिन साधारण ज़िंदगी में कंफर्ट होना चाहिए, ये कंप्यूटर है, टेलीफोन है, कार है, ये सब चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, लक्ज़री ख़राब चीज़ है, लेकिन
अच्छी ज़िंदगी के लिए हर चीज़ होनी चाहिए, तो लेकिन साधारण ज़िंदगी से बढ़िया ज़िंदगी कोई नहीं है। मैंने देखा कि कुछ लोगों के पास बेपनाह पैसा है भारत में, तो जो 5-6 कुत्ते घर में पालते हैं, मैं उनको कहता हूँ तुमको कोई हक नहीं, उन पर टैक्स लगना चाहिए जो कुत्ता घर में रखेगा। गली में कुत्ता नहीं होना चाहिए जो काटता है, इससे बढ़िया हतक की बात, बेइज्जती की बात नहीं है। मेरे मुल्क में ऐसे मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं जो नाली से अनाज के दाने चुन के खाते हैं। तो इन सरमाएदारों से पूछना है तुमको क्या हक है खान मार्केट से उनके लिए कपड़े बनवाना, कुत्तों के लिए उनको खाना खिलाना घर में, जब इसी समाज के इंसान जो हैं अनाज के लिए तड़पते हैं। इसलिए कुत्ता जो घर में रखेगा उसको टैक्स लगना चाहिए। हमारी नई नस्ल या जनरेशन के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? नई नस्ल को पैगाम यही है कि कुछ सियासत ऐसी हो गई है जिसमें सांप्रदायिकता है, जो नफ़रतों के सौदागर हैं, समाज में नफ़रत फैलाते हैं, हिंदू को हिंदू बनाते हैं, मुसलमान को मुसलमान बनाते हैं और उनके दरमियान फासला कायम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, यही मैंने आज के ज़माने में हर जगह कहा उनको, आपका अपना समुदाय जो है उसका संगठन मुबारक हो आपको, लेकिन वो संगठन हिंदुस्तानियत के संगठन में होना चाहिए ताकि सारे हिंदुस्तानी एक रहें। उसके बाद एक और संगठन है जो देश की एकता और अखंडता है, वो होना चाहिए। तो इसलिए जो आप काम करें, जो आपका धर्म हो, वो मुबारक हो, लेकिन आप उठिए पूरे हिंदुस्तान के संगठन के लिए, तब हमारी ज़िंदगी बड़ी शानदार होगी, चैन होगा, अमन होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। और ये मेरा पैगाम है आपको भी सबको, हमको अच्छा हिंदुस्तानी बनना चाहिए, उससे बढ़िया बात है। सोच साहब, आपने इतना सारा वक्त दिया हमें, अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।